वेलकम टू बाइंड एडुटेक एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूड क्लास ऑफ द चैप्टर गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में अभी तक का जो स्टोरी कवर किया है वो की नोट्स में डिस्कस कर रहे थे, वेरी शॉर्ट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। और डिस्कस करने का मकसद ये था पिछले वीडियो में कि क्योंकि ये कहानी अब अपने क्लाइमेक्स पे आ चुका है, अपने एंडिंग में अब आएगा स्टोरी, तो पूरा जो स्टोरी चला है अभी तक, जो कैरेक्टर्स हैं, जो जो उन्होंने किए हैं काम ना, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखा है, कोई समझाने की कोशिश करता है, वो सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से सोफ़ी जो है वो एक ऐसे टीनेजर को रिप्रेजेंट करती है जो पूरी तरह से अपनी दुनिया में डूब गया है, अपनी बनाई हुई दुनिया में। गलती उसकी नहीं है, गलती इस बात की है कि जिन जो चीज़ें उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, फैसिलिटीज़, वो उसको नहीं मिलती हैं। तो ऐसे टीनेजर्स जो हैं वो ज़्यादातर सोफ़ी जैसे डे ड्रीमिंग करते हैं और आउट स्पोकन होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं अपने सर्कल में या कहीं भी किसी के भी पास। तो सोफ़ी भी वही बड़ी बात फेंकी थी कि हम डैनी कैसे से मिले थे, ठीक है, और कोई विश्वास तो किया नहीं जब तक, क्यों सोफ़ी ने हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश किया जॉफ को, खास करके कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरा ये बात सच है, हर तरीके से कोशिश किया सोफ़ी ने, पूरा एक्सप्लेनेशन दे करके, ये बता करके कि दोनों में क्या क्या बातें हुई थी वगैरह वगैरह, और सब बताया, डिटेल में बताया ताकि विश्वास हो, मगर लास्ट तक भी जॉफ को सोफ़ी के इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं हुआ कि वो डैनी कैसे से कभी मिली है ना। फिर बीच में फुटबॉल मैच भी देखने जाता है पूरा फैमिली। तो उसके बाद जब जैंसी तक बात पहुंच जाती है तो जैंसी आती है सोफ़ी से मिलने, और पहले तो जैंसी गुस्सा होती है इस बात पर कि ये बात उसको सोफ़ी से पता चलनी चाहिए थी, वो बात उसको किसी और से पता चली है, मतलब क्योंकि वो सोफ़ी की क्लासमेट थी, फ्रेंड थी, तो कोई सोफ़ी का सीक्रेट रहेगा, तो जैंसी को लगा कि हमको बताना चाहिए था ना ये बात पहले, तो उसने बताया जॉफ को, जॉफ ने बताया जैंसी के भाई फ्रैंक को, और फ्रैंक ने बताया जैंसी को। तो जैंसी इस बात से गुस्सा थी कि हमको क्यों नहीं पहले बताया गया। फिर जैंसी को लास्ट में वो कन्विंस कर लेती है कि जैंसी भी कन्विंस्ड हो जाती है कि हाँ ये सचमुच में मिली थी, लेकिन जैंसी को ये नहीं पता था कि आगे भी उनकी एक मीटिंग फिक्स हुई है, ठीक है, और वो मीटिंग क्यों फिक्स हुई है उसका बहाना है फर्स्ट मीटिंग में ऑटोग्राफ नहीं मिला था, ऑटोग्राफ मांगी थी तो नहीं मिला था, और रीज़न बताया गया था कि दोनों में से किसी के पास पेपर पेन नहीं था, तो उसी ऑटोग्राफ को लेकर के एक सेकेंड मीटिंग तय हुआ था नेक्स्ट वीक करके, और उस मीटिंग के बारे में जैंसी को नहीं पता था। ये बात सोफ़ी को जब रियलाइज़ हुआ तो सोफ़ी बहुत रिलैक्स्ड फील करती है कि कम से कम उसके भाई जॉफ ने सीक्रेट पूरा नहीं बताया, ठीक है, बता तो दिया लेकिन पूरा नहीं बताया। अब इसके आगे जो स्टोरी टर्न लेगा टेक्स्ट बुक में, वो टर्निंग
जो उसको अब स्टोरी को जो एंडिंग की तरफ ले जाएगा, उस टर्निंग के बारे में बात कर रहा था कि वो बड़ा एब्रप्ट टर्निंग है ना, बड़ा अजीब सा टर्निंग है अब स्टोरी में। इसके आगे स्टोरी में सोफी जो है वो सचमुच में डैनी कैसे से मिलने के लिए एक जगह पे पहुंचती है और वेट करती है, मतलब रियलिटी में वो डैनी कैसे से मिलने के लिए, जो बोला था ना नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो ऑटोग्राफ देंगे, तो डैनी कैसे से मिलने के लिए वो सचमुच में जाती है, रियलिटी में जाती है। जबकि डैनी कैसे से जो मुलाकात वाला बात सोफी ने बताया है वो तो सरासर झूठ है, वो तो सोफी का बना हुआ कहानी है, रियलिटी ये है। लेकिन फिर अगर कहानी है तो सोफी को तो पता है ना कि हम झूठ बोले हुए हैं, फिर भी सोफी को खुद को पता है कि हम झूठ बोले हैं डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में, जितना भी चीज़ बोले हैं, फिर भी सोफी रियलिटी में जाती है डैनी कैसे का के से मीटिंग में के लिए, जो जैसा उसने कहा था, जॉफ को बताया था कि नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग का मीटिंग तय हुआ, उसी ने इनविटेशन दिया था। तो ये थोड़ा अजीब बात है कि जिस लड़की को ये पता है कि वो झूठा कहानी बनाई है, फिर वो लड़की वास्तविकता में उस कहानी को फॉलो करने लगती है, वो जानते हुए भी कि वो झूठा कहानी बनाई है, रियलिटी में उस कहानी को वो फॉलो करती है। ये हिंट किया जा रहा है, यही टीनेज के जो फीचर्स जो बताए गए हैं उनमें से ये बताया गया है कि जब हाइट ऑफ लिमिट ऑफ इमेजिनेशन या लिमिट ऑफ ड्रीम्स जब पार कर जाता है कोई टीनेजर, मतलब जो ड्रीम्स है उसका लिमिट पार कर गया, इतना खो गया ड्रीम में कि एक्चुअली में वो अपने उस ड्रीम में जीने लगता है और उसको एक्चुअली में लगने लगता है कि हाँ हम ये बात किए थे, तो दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ हैविंग अनरियलिस्टिक ड्रीम। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज एन एग्जाम्पल और ऑफ द कंसिक्वेंसेस विच मीन्स रिजल्ट्स, कि ये जो सोफी का डैनी कैसे से मिलने जाना रियलिटी में, ये जो बताया गया है स्टोरी में, ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक टीनेजर जो है वो अपनी बनाई हुई झूठी दुनिया में इतना डूब जाता है कि वो उस अपने ही झूठे कहानी को सच मान करके और उस तरह से काम भी करता है। दिस इज हाइट ऑफ ड्रीमिंग। कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं ऐसे ड्रीमिंग के? ऐसे ड्रीमिंग के रिजल्ट्स यही होते हैं जो सोफी के साथ हो रहा है ना। सोफी तो झूठ बोली है डैनी कैसे से मुलाकात के बारे में, ये बात सोफी भी जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो उस ड्रीम में जीने लगती है और एक्चुअली में चल जाती है उसका वेट करने के लिए, उससे मिलने के लिए, जिस तरह से कहानी में उसने झूठी कहानी में लोगों को बताया था कि डैनी कैसे ने उसको इनवाइट किया है
अगर नेक्स्ट वीक आप मिलना चाहेंगी तो मैं ज़रूर आपको ऑटोग्राफ दूंगा। तो क्या करती है, इतना डूब गई है अपने बनाए हुए झूठे वर्ल्ड में कि रियलिटी में वो जा कर के वेट करती है डैनी कैसे का। ये रिज़ल्ट है इस बात का कि अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं ड्रीमिंग का, डे ड्रीमिंग का, तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है टीनेजर्स की कि वो अपने भी बनाए हुए झूठी दुनिया को सच मान बैठते हैं और उस अनुसार फिर काम करते हैं। सोफ़ी उसकी एग्जांपल है, क्योंकि सोफ़ी जा रही है अब मिलने के लिए, जबकि रियलिटी में सोफ़ी को भी पता है कि कोई बात ऐसी हुई ही नहीं थी, फिर भी जा रही है क्योंकि अपनी दुनिया में इतना डूब चुकी है झूठ का बनाया हुआ दुनिया। एक बात और इससे हम लोगों को पता चलता है, एक सिंबल है इस बात का कि अगर आप एक झूठ बोलते हैं किसी से, कोई खास मकसद था, एक झूठ बोल दिए, तो बोला जाता है ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये भी उदाहरण यहाँ अप्लाई किया जा सकता है डे टू डे लाइफ से। हम लोग बोलते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो सोफ़ी जो एक झूठ बोल दी है कि हम डैनी कैसे से मिले थे, ऐसा ऐसा बात हुआ और नेक्स्ट वीक फिर मिलने को इनविटेशन दिया है, तो अब वो डूब गई है उसी में और उसको झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है, और अब वो इतनी डूब गई है कि अब वो रियलिटी में एक्ट कर रही है कि उसको मिलने जाना है, और वो जाती है। यहाँ से स्टोरी टर्न लेता है कि वो जाती है मिलने नेक्स्ट वीक। कहाँ जाती है, कब जाती है, क्या होता है, यही जो है स्टोरी का क्लाइमेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है, टेक्स्ट बुक का पार्ट है। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द केनाल, शाम होने के बाद, आफ्टर डार्क लिखा है, शाम होने के बाद सोफ़ी जो है वो केनाल, वर्ड यहाँ यूज़ किया है, केनाल आप समझते हैं यूजुअली हम लोग बोलते हैं नहर को, नहर, जहाँ सोफ़ी जिस शहर में रहती थी वो शहर एक नदी, एक नहर के किनारे बसा हुआ था। मतलब कि आप इमेजिन करो कि एक नदी जा रही है, या छोटी नदी है तो नहर भी बोल सकते हैं, एक नदी जा रही है, उसके एक किनारे पर पूरा एक शहर बसा हुआ है, और दूसरा किनारा जो है वो एकदम शांत है, उधर ग्राउंड्स हैं, उधर गार्डन्स हैं, उधर फॉरेस्ट्स हैं, इस तरह से है कि एक तरफ सोफ़ी, मतलब एक तरफ टाउन बसा हुआ है और उसी के दूसरे तरफ जब जाओगे तो पूरी शांति वाली जगह है जहाँ ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं और फॉरेस्ट्स हैं। तो सोफ़ी जो है वो शाम होने के बाद केनाल को पार करके, मतलब ब्रिज से शहर के को पार करके, केनाल के ऊपर ब्रिज से वो पैदल चल के जाती है, अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लिखा है, पाथ मतलब होता है रास्ता और शेल्टर्ड मतलब होता है ऊपर से कवर किया हुआ रास्ता। एक जगह और मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड बताया था इसी चैप्टर में कि सोफ़ी क्या बताई, कहाँ मिलने का बताई थी, या पूछा था कहाँ मिली थी तुम, तो क्या बताई, कौन से जगह का वहाँ पे नाम ली थी, वो आर्केड वर्ड था वो, कि आर्केड में मैं मिली थी,
तो वो आर्केड के बारे में भी मैं बता रहा था कि रास्ता जो रहता है वो ऊपर से कवर किया हुआ रहता है, लेकिन फूल पत्तियों से कवर किया रहता है, प्लांटेशंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह को हम लोग, वहाँ पे लिखा गया है कि वो वहाँ पे मिली थी जहाँ पे वो बताई थी। तो यहाँ भी उसी तरह का एक वर्ड यूज़ हुआ है, शेल्टर्ड पाथ, मतलब एक ऐसे रास्ते से जा रही है सोफ़ी, है ना, जो रास्ता ऊपर से कवर है और वो कैनाल को पार करके, यहाँ पर जो कैनाल वर्ड है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है। कहीं कहीं इसका मतलब तुमको रिवर भी निकालना पड़ेगा, रिवर भी निकल सकता है कैनाल का। वैसे जो स्पेलिंग लिखा है उसका तो वर्ड मीनिंग के अनुसार ये नहर है, ठीक है, लेकिन नहर के साथ साथ इसको आप एक छोटी नदी के रूप में भी इसका मीनिंग ले सकते हैं, कैनाल का छोटी नदी के रूप में भी इसका मीनिंग निकलता है। तो वो कैनाल को पार करके, डार्क होने के बाद, शाम होने के बाद कैनाल को पार करके जाती है दूसरी तरफ, द अदर साइड ऑफ द कैनाल, द अदर साइड ऑफ द टाउन। एक तरफ जो शहर बसा हुआ है और दूसरी तरफ का जो जगह है वो वहां जाती है शाम होने के बाद, वॉकिंग, पैदल जाती है, शेल्टर्ड पाथ, रास्ता जो था वो ऐसे ऊपर से कवर किया हुआ था, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैंप्स फ्रॉम द वार्फ, वार्फ का यहां मीनिंग दिए हैं, अक्रॉस द वॉटर। अब वो जिस रास्ते से जा रही थी उसके बारे में बताया कि वो शेल्टर्ड था और उस रास्ते में अपना कोई लाइटिंग का व्यवस्था नहीं था, मतलब वहाँ पर कोई लाइटिंग का व्यवस्था उस जगह के लिए नहीं था। वहाँ पे ना शहर की लाइट्स जो हैं, शहर जो वाटर के दूसरे तरफ है, वो शहर में जो लाइटिंग्स हैं उन्हीं लाइटिंग्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो उस रास्ते पे भी पड़ रहा है, मतलब एकदम धीमी धीमी रोशनी, जो बहुत दूर एक रोशनी है, पूरा शहर बसा हुआ है, तो वाटर के दूसरे तरफ जो ग्राउंड्स हैं, जो पार्क्स हैं, जो फॉरेस्ट्स हैं, तो उसका वहाँ जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते पे अपना कोई लाइट नहीं लगा हुआ है, बल्कि ग्लेयर मतलब चमक है, यहाँ पे चमक मतलब विजिबिलिटी ऑफ द लैंप्स फ्रॉम द वार्फ। अब ये वार्फ वर्ड को यहाँ डिफाइन किए हैं, देख लो स्पेलिंग, या अच्छे से याद रखना, वार्फ थोड़ा अलग वर्ड है। वार्फ किसको बोलते हैं, अ प्लेटफॉर्म मेड ऑफ स्टोन और वुड एट द साइड ऑफ अ रिवर वेयर शिप्स एंड बोट्स कैन बी टाइड अप। हम लोग हिंदी में एक वर्ड में वार्फ को अगर बोले तो नदी का घाट, नदी का घाट जो होता है, नदी का वो जगह जहां पे या तो स्टोन बिछा दिया जाता है नदी के किनारे, या तो लकड़ी से बनाया जाता है एक प्लेटफॉर्म, या तो स्टोन्स से या तो वुड से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, और उस जगह पे काम क्या है, उस जगह पे शिप्स और बोट्स आकर के रुकते हैं और उनको बांध करके रखा जाता है, टाई अप वर्ड यूज़ किया है, टाइड अप, वो जगह इमेजिन कर सकते हो तुम कि नदी है जो कैनाल जो बोल रहे हैं, है ना, उसके दूसरे तरफ का जो किनारा है वहाँ पे घाट बना हुआ है, एक
प्लेटफॉर्म बना हुआ है, किस चीज़ का, स्टोन का या वुड का, दोनों में से किसी भी चीज़ का, और वहाँ पे कुछ शिप्स जो हैं और बोट्स। शिप और बोट में फ़र्क क्या होता है, कॉमन कॉमन सबसे फ़र्क होता है कि छोटे को बोट बोलते हैं और बड़े वाले को शिप बोलते हैं, या ये भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो हैंड या अपने से मैन्युअली जो चलाया जाए, ठीक है, उसको बोट बोलेंगे, और जो इंजन से चलता हो उसको शिप बोलेंगे। साइज वाइज जाएंगे तो छोटा बड़ा, और डिफरेंस वाइज जाएंगे तो ये मैनुअल और ये मशीन के साथ, शिप एंड बोट्स। उस घाट पर टाइड अप लिखता है, टाइड अप मतलब बांधे जाते थे, ऐसा जगह रहता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसा जगह कि नदी का किनारा जो है वहाँ पे बोट जो है जो सर्विस करता है कि इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे और उस तरफ से इस तरफ ले आएंगे, उस बोट का सर्विस है। तो वहाँ पे नदी के किनारे वो बोट अपना बांध देते हैं, फिर अपना टाइम के अनुसार वो लोग अप डाउन करते हैं उस तरफ। तो सोफी जो है वो कैनाल को पार करके, ठीक है, और एक शेल्टर्ड ऊपर से कवर किया हुआ रास्ता पे चल रही है शाम के वक्त, जहाँ पे अपना लाइट नहीं लगा हुआ है बल्कि उन चीज़ों की रोशनी आ रही है, वो रोशनी आ रही है शिप्स और बोट्स में लगे हुए लाइट्स की, जो घाट पे, वार्फ वर्ड है, घाट पे जो शिप और बोट लगे हुए हैं, उन शिप्स और बोट्स में जो रोशनी है उसी रोशनी का हिस्सा, कुछ हिस्सा उस रास्ते पे भी पड़ रहा है, मतलब बहुत कम रोशनी है जो वहाँ से आ रहा है, रोशनी बोट्स एंड शिप्स बंधे हुए हैं वहाँ से। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, पहले तो लाइट के बारे में बताया कि जो जगह है जहाँ सोफी जा रही है रास्ते में, उस रास्ते में बहुत कम लाइट पड़ रहा है, और ये लाइट सिर्फ उन बोट्स और शिप्स से आ रहा है जो बोट्स और शिप्स वहाँ लगाए गए थे, बांधे गए थे घाट पर। लाइट के बारे में बताया, अब साउंड नॉइज़ के बारे में बता रहा है कि वहाँ नॉइज़ किस तरह से था। लिखा हुआ है अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी का हम मतलब बताए हैं, कंटिन्यूअस हमिंग साउंड। जैसे जो शहर होता है, शहर के जो मेन हिस्से में आप रहिएगा तो वहां शांति तो नहीं मिलेगी, वहां तो पूरा नॉइज मिलेगा, और वो भी कंटिन्यूअस नॉइज मिलेगा। तो उस कंटिन्यूअस नॉइज को जो रुकता नहीं है, कंटिन्यू रहता है, उसको लिखा गया है अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी। शहर में बताया गया कि शहर में अनसीजिंग ड्रोन होता है, कंटिन्यूअस शहर में आपको साउंड्स, नॉइज जो हैं वो सुनाई देते रहते हैं, शांति नहीं मिलती है कभी। लेकिन उस जगह पे जहाँ सोफी जा रही थी, उस रास्ते पे, वो रास्ता जो था वो शहर के शोर शराबे से दूर था। शहर का जो शोर शराबा होता है, जिसको यहाँ लिखे हैं कंटिन्यूअस हमिंग साउंड, उससे दूर था, मफल्ड वर्ड लिखे हैं
लो नॉइज एंड डिस्टेंट वर्ड है फार एनफ, बहुत दूर था। जिस जगह सोफी जा रही है मिलने के लिए उस जगह को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है पहले। अभी और आगे उसमें और डिफाइन करेगा। अभी आपको बताया गया कि वो जगह जो है वो शहर से दूर है, मतलब अक्रॉस द रिवर है, अक्रॉस द केनाल का बहुत कम लाइट है उस जगह पर। वो लाइट्स आ रही हैं उन बोट्स से और उन शिप्स से जो घाट पे लगी हुई हैं, वही लाइट जो आ रहा है उसका उतना ही लाइट रास्ते पे पड़ रहा है। उसके बाद आपको बताया गया कि वहाँ पे नॉइज भी नहीं है कुछ उस जगह पर, मतलब शहर के शोर शराबे से वो जगह बहुत दूर थी, शहर का शोर शराबा वहाँ नहीं था। फार एनफ, शहर के शोर शराबे से वो जगह काफ़ी दूर थी। और उस जगह के बारे में बताया, इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। देखो लिखा है, इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। कि ये जगह जहाँ पे सोफी जा रही थी ये अनजान जगह नहीं था उसके लिए, ये पता चलता है इस लाइन से। इट वॉज द प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। कि जिस जगह पे वो जा रही है ना वो जगह अनजाना जगह नहीं है, स्ट्रेंज प्लेस नहीं है, वो वही जगह है जहां सोफी अपने बचपन में खेलने जाती थी। सोफी उस जगह पर बचपन में खेलने जाती थी, ये बताने का पर्पस है, ये बताना कि ये जगह सोफी के लिए नया नहीं है ना। सोफी इस जगह के बारे में जानती है अच्छे से, क्योंकि बचपन में से ही वो इस जगह पे खेलते आई है। तो अभी जगह को डिफाइन किया जा रहा है कि कौन से जगह पे वो गई है डैनी कैसे से मिलने के लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी डेफिनेशन और आगे चलेगा। थैंक यू।